subscribe to our channel and press the bell icon. Assalamualaikum aziz tulba wa talibat, jamaat 11th ki pehli ghazal jise wali dakhni ne likha hai, isme aap tamam ka istiqbal hai. Umeed hai aapko hamare pichle video pasand aaye honge. Hamare video pasand aate hain to use like kijiye, share kijiye, hamare channel ko subscribe kijiye. इस वीडियो को आखिर तक देखिए. सबसे पहले हम इसका पेश दर्ज देखेंगे और गज़ल पढ़कर इसकी तशरीह करेंगे, इसे समझने की कोशिश करेंगे. इस गज़ल में बहुत सारे दखनी अल्फाज भी आए हैं. चलिए शुरुआत करते हैं गज़लियात में. पहली गज़ल वली दखनी ने जिसे तहरीर किया है, सबसे पहले पेश दर्ज. गज़ल उर्दू शायरी की एक बहुत मकबूल आम सिनफ है. उर्दू ज़बान की इब्तिदा ही से गज़ल आवाम और ख़वास में खूब पसंद की जाती रही है. यानी आपको भी पता है कि गज़लें जो है बहुत ही ज़्यादा पसंद की जाती है. अब फ़ारसी गज़ल के असरात ने उर्दू गज़ल में ईरानी रिवायत को दाखिल कर दिया. यानी गज़ल जो है उसके अंदर रिवायत कहाँ से आई? ईरानी रिवायत आई. इस ताल्लुक़ से वली दखनी का नाम अहम है. यानी इसकी जो शुरुआत की थी वो वली दखनी ने की थी, और उसके बाद में बहुत सारे शोरा इसमें शामिल हुए, जैसे कि नासे, फिर मीर तकी मीर, मुस्तफ़ी, आतिश, इंशा, इसके अलावा मिर्ज़ा असदुल्लाह ख़ान गालिब, ज़ौख़, मोमिन ख़ान मोमिन, हाली, और ये मुग़ल दरबार से फ़रोग़ पाते हुए पूरे भारत में पहुंच गई. यानी ज़ौख़ और गालिब ये दोनों मुग़ल दरबार से वाबस्ता थे, और दोनों भी ये मुग़ल बादशाह के उस्ताद थे. अब इसके बाद में रियाज, असगर गोंडवी, जिगर मुरादाबादी, यास यगाना चंगेज़ी वगैरह ने भी इसमें बहुत तबा आजमाई की. दाग दहलवी, शेख मोहम्मद इकबाल, जोश मलियाबादी ने इसमें भी अपने अफकार का नया आहंग भरा. इसके अलावा फिराक गोरखपुरी, फिर तरक्की पसंद तहरीक में फिराक गोरखपुरी, मजरू सुल्तानपुरी, मोइन एहसन जज्बी, उसके अलावा मखदूम साहिर लुधियानवी वगैरह इन शोरा ने भी इसमें बड़े पैमाने पर काम किया है. अब दूसरी जंग अजीम के बाद में क्या हुआ? इसमें मादी तब्दीलियाँ हुई, और मादी तब्दीलियों के साथ में गज़ल में बहुत सारे नए नए चीज़ें वजूद में आई. इसमें नए जो शोरा है, जैसे कि नासिर काजमी, शकीब जामी, बानी अमीर, शहरियार, अलवी, निदा फाजली वगैरह, इन्होंने भी अपनी तबाह आजमाई की है, और इसे नए आहंग से रोशनास कराया है. अब गज़ल की हियत क्या है? इसमें मतला, मख्ता, खाफिय, रदीफ़ वगैरह होते हैं, लेकिन बहुत सारी जो लफ्ज़ियात है इसमें थोड़ा सी तब्दीली पाई जाती है. अब हम आज जो पढ़ने जा रहे हैं गज़ल, इसे वली दखनी ने तहरीर किया है. वली का पूरा नाम वली मोहम्मद था. इनके आबो अजदाद गुजरात से हिजरत करके दक्कन की तरफ आए और वहीं बस गए. आम ख्याल ये है कि वली औरंगाबादी औरंगाबाद में पैदा हुए. इनका सन पैदाइश 1668 ईस्वी बताया जाता है. इन्होंने शायरी के मैदान में कदम रखा तो दक्कन के पेशरों शोरा के बरखिलाफ़ गज़ल की तरफ तवज्जो दी. अब देखिए, दक्कन में पहले जो दूसरे शोरा थे वो ज़्यादातर मसनवी वगैरह दास्तानें लिखा करते, लेकिन वली दखनी ने इस गज़ल की तरफ ज़्यादा तवज्जो दी. इस सिन को उन्होंने बहुत जल्द बाम उरूज तक पहुँचाया, यानी ऊंचाइयों की बुलंदियों तक पहुँचाया. जब वली दिल्ली पहुँचे 1700 ईस्वी में, तो अहले दिल्ली ने इनकी और इनके कलाम की बड़ी कदर की. वली की शगुफ्ता और खुश आहंग गज़लों ने दिल्ली वालों का दिल मोह लिया. यहीं से उर्दू गज़ल के नए दौर का आगाज़ हुआ. वली से पहले दखनी शायरी में इश्क का सतही तसव्वुर आम था. यानी वली दखनी के दिल्ली जाने के बाद उसमें और ज़्यादा तब्दीली आई और गज़ल में गहराई पैदा हो गई. वली ने इश्क के तसव्वुर को गहराई और गहराई से आशना किया और दाखिलियत की कैफियत पैदा की. वली का इश्क तसव्वुफ आशना है, यह उर्दू गज़ल में बिल्कुल नया मज़मून था. 1707 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ. चलिए इस गज़ल को पढ़ते हैं, इसके अशार को समझने की कोशिश करते हैं. अब इसमें कुछ अल्फाज हैं जिसे आप पहले समझ ले, इसके मानी समझ ले. नहीं कोई तास सुने अहवाल मेरे दिल फगारी का, नहीं कोई तास सुने अहवाल मेरे दिल फगारी का,
कोई यानी कोई, ता यानी ताके, दिल फगारी दिल का जख्मी होना, नहीं कोई ता सुने अहवाल मेरी दिल फगारी का, कहो किस कन गरेबा चा कर दिख बेकरारी का। अब ये किस कन के माने होते हैं किसके पास किससे, तई नहीं कोई ता सुने अहवाल मेरे दिल फगारी का, कहो किस कन ग्रेबा चा कर दिख दुख बेखरारी का। अब इस शेर में शायर क्या कहता है, यानी वो कहता है कि कोई नहीं है जो मेरे दिल के ज़ख्मी होने के हाल को सुने, तो फिर मैं अपने दुख की बेखरारी को ग्रेबा चाक करके किस को दिखाऊँ। अब इसकी तशरीह करते हैं, समझते हैं कि राज और न्याज और दुख सुख की बातें इंसान अपनों से ही करता है, दोस्त से बढ़कर अपना कौन हो सकता है। शायर को जो जख्म मिले हैं दोस्त ही से मिले हैं, और वो कहता है कि बताइए इश्क की सितम कशी का माजरा, इसी सितम ईजाद करने से मुनासिब है, जबकि वही महबूब जिससे मैं बातें करना चाहता हूँ उसी ने ज़ख्म दिए हैं। अजब नहीं उठ के बेताबी सो सर मारे किनारे पर, अजब नहीं उठ के बेताबी सो सर मारे किनारे पर, सुने गर माजरा दरिया हमारे अश्क जारी का। नहीं यानी नहीं, सू यानी से, सर मारे यानी सर पटके, अंजू अंजू यानी आंसू। चलिए देखते हैं, अजब नहीं उठ के बेताबी सो सर मारे किनारे पर, सुने गर माजरा दरिया हमारे अश्क जारी का। अगर दरिया मेरे आंसू बहने के माजरा यानी हालात को सुन ले, तो कोई वैद नहीं, कोई हैरानी की बात नहीं कि वो भी बेचैन होकर उठे और किनारे पर जाकर दरिया अपना सर मारे। अब शायर इसमें कहता है कि उसे बहुत तकलीफ़ पहुंची है, जिसकी ताब ना लाकर वो रो रहा है, और वो इतना रोया कि अगर वो दरिया के अगर किनारे बैठ जाए तो शायर के इस रोने से आंसू बहाने की कैफियत को सुन लेते हो, पानी की रवानी भी मुसलसल बहने के मामले में अपनी हैसियत में कमी कर दे, और वो इसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है, कोई बैत की बात नहीं है कि दरिया अपना सर जाकर किनारे पर मारे सर पीटे। यहाँ दरिया का ज़िक्र मुसलसल बहते हुए दरिया के मुताबिकत से किया गया है, यानी दरिया का बहना ही अपना सर मारना है, इसे दरिया को तजसीम की हालत में पेश किया गया है। तेरे गम में नैन से जो निकलता है अंजू बाहर, तेरे गम में नैन से जो निकलता है अंजू बाहर, दोजा गौहर कहाँ है जग में उसकी आबदारी का। अब इसमें क्या कहता है शायर, कहता है अंजू यानी आंसू, दोजा यानी दूसरा, आबदारी यानी चमक। अब शायर क्या कहता है, शायर कहता है कि ऐ दोस्त तेरे गम में आंखों से जो आंसू निकलते हैं इसके जैसा चमकदार मोती दुनिया में कोई नहीं है, गौहर यानी मोती। अब इस शायर में शायर क्या कहता है, अपने आंसुओं को बेकीमत व फजूल नहीं कहते हुए दोस्त को आगाह कर रहा है, इसके ये आंसू ज़ाये नहीं होंगे और एक न एक दिन इसका असर मुस्बत नतायज की सूरत में ज़ाहिर होगा। इस शेर का एक मतलब ये भी हो सकता है कि दोस्त के गम में शायर की तरह कोई आंसू नहीं बहाता, आंसू सच्ची और पुरखलूस मोहब्बत की निशानी होता है, और शायर की आंखों से निकलने वाले आंसू असल मोती है, गौहर है, सच्चे है। तेरी वो नजरी इंतजारी है जिसे हद होर नहीं, हौर नहीं, नहायत नहीं। अब देखिए हौर, हौर यानी और के लिए इस्तेमाल करते हैं। तेरी वो इंतजारी है जिसे हद हौर नहीं, नहायत नहीं, शिकायत किस कने जाकर करूं इस इंतजारी का। अब इसमें शायर क्या कहता है, वो यानी वो, नहायत यानी खात्मा, ख़त्म कर देना, किस कने यानी किसके पास कहाँ। अब इस तरीके से यहाँ पर शायर कहता है कि ऐ मेरे दोस्त तेरा वो इंतज़ार जिसकी कोई इंतहा नहीं, मुझे परेशान किए रह रहा है, मुझे तुझसे शिकायत है। इसकी तशरीह करते हैं, समझते हैं कि शायर दोस्त के वसल के लिए शायर को बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ रहा है, इस इंतज़ार के ख़त्म होने के आसार नहीं नज़र आते। शायर इसकी शिकायत आखिर करे तो किस से करे, किसी ख्वाहिश या शिकवा शिकायत का इजहार अपनों ही से तो होता है, ख़ास तौर पर दोस्त से या माजरा या शिकायत दोस्त या महबूब से ही करना चाहिए, और शायर यहाँ पर उलझन का शिकार हो गया है।
हुई है आरसी जोगन तेरे मुख के तसव्वुर में, हुई है आरसी जोगन तेरे मुख के तसव्वुर में, भभूति मुंह पे क्या दम मारती है खाक सारी का। अब इसमें शायर क्या कहता है, आरसी यानी आईने को कहते हैं, हम मराठी में आरसा कहते हैं ना, वैसे ही आरसी, आरसी यानी आईना, जोगन यानी राहबा जो संन्यास लेते हैं, जोगी की मौनस जोगन, तो उसे कहते हैं भभूति। ये एक किस्म की राख होती है जिसे जोगी अपने बदन पर, अपने चेहरे पर या अपने पेशानी पर मलते हैं, उसे भभूति कहते हैं। हुई है आरसी जोगन तेरे मुख के तसव्वुर में, मुख यानी मुँह चेहरा, भभूति मुँह पर पे क्या दम मारती है खाक सारी का। अब इसमें शायर क्या कहता है, यानी कि अब जोगन जो है, ऐ दोस्त जोगन तेरे मुख पर, तेरे चेहरे के तस्वुर में जाहिर हुई है, चेहरे पर लगी भभूति बिलावजह इनके सारी का दावा कर रही है। अब इसकी तशरीह में शायर क्या कहता है, अब देखते हैं कि वली का जो इश्क है वो तसव्वुफ आशना है। इस शेर में जोगन के हवाले से इसे जाहिर कर रहे हैं, कहते हैं ऐ खुदा जोगन के चेहरे पर आया रूहानियत तुझसे मोहब्बत की वजह से, ना कि इसके चेहरे पर लगी हुई मली हुई राख की वजह से हो रही है। दरअसल शायर कहना चाहता है कि अल्लाह से इश्क की बदौलत बंदा अल्लाह के रंग में रंग जाता है, और ये रंग इसके चेहरे से जाहिर होता है, इसी रंग को नूरानियत और रूहानियत कहा जाता है। याद रहे ये रंग सिर्फ़ और सिर्फ इश्क इलाही की बदौलत पैदा होता है। बंदे के जिस्म से वाबस्ता लिबास और दीगर चीज़ें ज़िमनी हैसियत की होती है, सच्चा इश्क इलाही ना हो और जिस्म को उससे कोई सरोकार ना हो, तो ये तसन्ना या बनावट, रियाकारी या ढोंग हो सकती है। चलिए अगला शेर देखते हैं, इसे समझते हैं। खड़ा है रास्ती के दम में यक पग पर सो ज्यों जोगी, खड़ा है रास्ती के दम में यक पग पर सो ज्यों जोगी, तेरे खत सू लगा है ध्यान सरे जोई बारी का। अब इसमें शायर क्या कहता है, रास्ती यानी सीधापन यानी सीधी जगह, सच्चाई, यक पग यानी एक पाँव, पग पग पैर के लिए लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, यक यानी एक, सरो जोए बारी यानी नहर के किनारे उगा हुआ सरों का दरख्त, उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। यानी शायर क्या कहता है, यानी वो मन की सच्चाई की जोर पर दे रहा है, हक़ परस्त यानी राह हक में उसे खड़ा रहना, डटा रहना ज़रूरी है। जैसा जोगी लोग अक्सर एक पैर पर खड़े रहकर रियाजत करते हैं, शायर इसी तरह नहर के किनारे खड़े रहने की बात कर रहा है। शायर क्या कहता है, अपने खालिक हकीकी को पाने के लिए जिस तरह एक जोगी एक पैर पर बगैर थके तवील मुद्दत के लिए खड़ा रहता है, इसी तरह सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले भी हमेशा कोशिश करते रहते हैं, जद्दोजहद का मुजाहरा करते हैं, हक परस्ती पर हमेशा साबित कदम रहते हैं, और रास्ती इस दरिया के किनारे पर खड़ा होना, खड़े रहने का नाम उसने दिया है। वली अखियाँ की कर दावात पतली की स्याही सों, लिखिया तेरी सिफात को ले खलम मानी निगारी का। अब यहाँ पर अखियाँ, अखियाँ यानी आँखें को कहते हैं, दावात ये दवात के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, पुराने ज़माने में कलम दवात इस्तेमाल करते थे, वैसे ही दवात का इस्तेमाल किया गया है। कु यानी को, मानी निगारी यानी एक बात में कई मानी पैदा करना। वली अखियाँ की कर दावात पतली की स्याही सू, लिखिया तेरी सिफत को ले खलम मानी निगारी का। यानी वली ने पतली की स्याही से आँखों को दावात बनाया है। अभी पुतली जो है, आँखों की पुतली जो होती है, उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। इसकी तस्सी कर लीजिए, पतली नहीं पुतली है। अभी पतली स्याही, स्याही पतली होती है लेकिन आँखों की पुतली होती है। ये दोनों तरीक़े से आप इस लफ्ज़ को समझ सकते हैं। फिर अपने मानी निगारी कलम से अपनी सिफात को लिखने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शायर वली दखनी ने इस शेर में अपने कायनात के मुशाहदे और तजुर्बे से मुतासिर होकर खालिक कायनात की सिफात को बयान करने का जिक्र किया है। कहते हैं कि इन्होंने कायनात के जलवों को देखा, इन्हें अपनी आँखों में बसाया, अपने कल्ब व जहन का हिस्सा हिस्सा बनाया, तदब्बुर से खूब काम लिया, और जाविया हाय नज़र को बरवाकार लाते हुए इन्हें सफ़े खरतास पर बिखेर दिया। उम्मीद है ये गज़ल आपको समझ में आई होगी। अगले गज़ल और सबक में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।